आजम खान को मिली बड़ी राहत। जिस मामले में रद्द हुई थी विधानसभा सदस्यता, उसमें कोर्ट ने किया बरी। क्या बहाल होगी विधायकी? सपा नेता आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने उनको नफरती भाषण देने के आरोप से बरी कर दिया है। इस मामले में एमपी एमएलए की कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2022 को आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी। पर सवाल अब ये है, क्या अब उनकी विधायकी वापस आएगी? इस सजा के खिलाफ आजम खान ने सेशन कोर्ट में अपील की थी। बुधवार को मामले की सुनवाई हुई, एमपी एमएलए कोर्ट में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद आजम खान को नफरती भाषण देने के आरोप से मुक्त कर दिया। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट ट्रायल की कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इस फैसले में 70 पेज में अपना फैसला सुनाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया गया है। सेशन कोर्ट के फैसले से आजम खान को बड़ी राहत मिली है, लेकिन उनकी विधायकी बहाल होने पर अभी भी संदेह जताया जा रहा है, क्योंकि छजलेट प्रकरण के मुकदमे में मुरादाबाद की कोर्ट में आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम को 2-2 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी चली गई थी। आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया, आज न्यायालय ने हमें दोष मुक्त किया। जो प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन था, वह अपना केस साबित नहीं कर पाया। हमें झूठा फंसाया गया। हमने अपील की थी, हमें झूठा फंसाया गया है। हमारी बातें मानी गई, यह अपील हमारे फेवर में गई और अब हम दोष मुक्त हैं।